हाय क्लास 11, टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट टू एटॉमिक स्पेक्ट्रा। टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट टू एटॉमिक स्पेक्ट्रा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम लोग किसको बोलेंगे। सबसे पहले मेरे साथ लिखेंगे आप लोग डेफिनेशन, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर The splitting of light into series of color band is known as is known as dispersion and the series of color band. Series of color band is called spectrum. It means the splitting of light. यानी कहीं भी हम जैसे प्रिज्म का एग्जांपल लेते हैं तो उसके बाद क्या होती है, सारी लाइटें इससे स्प्लिट होके निकलती है। तो ऐसे ही इसमें भी क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर बैंड, जो एक सीरीज निकल रहा पूरा कलर बैंड का, आपने देखा होगा जिस तरह से, यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारे पास कलर, यहाँ से क्या है हमारे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब है, मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब है। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब से हमारे पास क्या हो रही कि लाइट का एक सीरीज निकल रहा है यहां से, ये लाइट क्या हो रही है यहां पे सीरीज निकल रही है, और यहां पे हमने क्या कर दिया, यहां पे एक मेटल का या फॉइल लगा दिया इस पे, ये क्या करा रहा है इनको स्प्लिट करवा रहा है। इससे क्या हो रही है, सारी की सारी लाइटें स्प्लिट हो रही है, और हमने यहाँ पे एक प्रिज्म यूज कर रखा है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया एक प्रिज्म यूज कर रहा है, यूज कर रखा है, और यहाँ से क्या है कुछ तो यहाँ से लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी की निकलती जा रही है, कुछ हमारे पास इस तरह से निकलती जा रही, कुछ इस तरह से रेज हमारे पास से स्प्लिट होके निकल जा रही है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है लास्ट में एक ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे लगा रखा है, जिसमें हम लोगों इस पे इसका क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, डिफरेंट लाइट का ऑब्जर्वेशन अलग अलग आता है, यहाँ पे वायलेट का आ रहा है, यहाँ पे आपके पास किसी और का ब्लू का आ रहा है इसमें, और इसमें आपके पास येलो का आ रहा है, और यहाँ पे येलो का आ रहा है, इस वाले पे आपको देख रहे हैं रेड कलर का। तो मतलब जो हमारे पास एटोमिक स्पेक्ट्रम है इसका मीनिंग क्या हो गई, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इंटू सीरीज ऑफ कलर बैंड is known as dispersion and series of color band is called spectrum। तो ये था हमारे पास क्या स्पेक्ट्रम का कुछ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो हमारे पास होते हैं स्पेक्ट्रम जो होते हैं, इन दिस स्पेक्ट्रम देयर आर इज कंटिन्यूसली ऑफ कलर, इसमें कुछ स्पेक्ट्रम ऐसा होते हैं जो कंटिन्यूसली क्या करते हैं कलर देते हैं, और वन कलर मर्ज इन टू अदर,
इसमें क्या होता है कि ये कलर क्या हो जाता है, दूसरे कलर में क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है विदाउट एनी गैप के। इसमें जो हमारे पास होता है कि जो एक कलर है हमारे पास, यहाँ पे वो कलर क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है और विदाउट एनी गैप के, बिना किसी गैप के हमारे पास जो कलर है यहाँ पे मर्ज होना शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो जब हमारे पास मतलब मर्ज होता है इनटू विदाउट एनी गैप का, द डिसकंटिन्यूअस एंड सच स्पेक्ट्रम, अगर हमारे पास क्या होता है कि इन दिस स्पेक्ट्रम देयर इज कंटिन्यूटली कलर, वन कलर मर्ज इनटू अदर, एक कलर दूसरे कलर में मर्ज हो जाए और विदाउट एनी गैप के, बिना किसी गैप के, और तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो जो ये स्पेक्ट्रम होगा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको। जब हमारे पास क्या होता है विदाउट गैप के, एक कलर दूसरे में मर्ज हो जाए विदाउट एनी गैप के, उसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का। फॉर एग्जाम्पल, वायलेट मर्ज इन टू इंडिगो, इंडिगो मर्ज इन ब्लू एंड ब्लू मर्ज। देखो क्या होता है, वायलेट मर्ज इन टू इंडिगो, जो हमारे पास यहाँ पे जो वायलेट कलर है, यहाँ पे जो वायलेट लिख रहा हूँ मैं आपके पास, जो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वायलेट है, वायलेट मर्ज हो रखा है किससे, वायलेट मर्ज इन टू, जो वायलेट मर्ज हो रखा है किससे, इंडिगो से, इन टू इंडिगो से। जो हमारे पास जो वायलेट मर्ज हो रखा है किससे, इंडिगो से। इसी तरह से आपके पास क्या हो रखा है कि ब्लू मर्ज इन टू ग्रीन, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, कहीं पे जो ब्लू है, ब्लू जो मर्ज हो जाता है, ब्लू ब्लू में मर्ज हो रखा हमारे पास किससे, ग्रीन से। तो हमने क्या कहा कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम उसको बोलेंगे जब एक कलर दूसरे कलर में मर्ज हो जाए बिना किसी गैप के, उनके बीच में कोई भी गैप ना रहे, उसको हम बोलेंगे क्या, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब हमारे पास जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, अनलाइक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन बाय एनालिसिस सनलाइट, द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम आर नॉट कंटिन्यूअस। तो टू टाइप्स के एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमें इसमें पढ़ने हैं, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, टू टाइप्स के एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, टू टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम टू टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम वी आर डिस्कस्ड अबाउट। फर्स्ट इमिशन स्पेक्ट्रम, फर्स्ट फर्स्ट वन इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, जो फर्स्ट स्पेक्ट्रम होगा इमिशन होगा, और सेकंड हमारे पास होगा एब्जॉर्प्शन, सेकंड स्पेक्ट्रम होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। तो टू टाइप्स के जो स्पेक्ट्रम हमारे पास यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट स्पेक्ट्रम आएगा इमिशन एंड सेकंड आएगा आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं किसके, आपके सामने इमिशन स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे। तो यहां तक समझ में आया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम सबसे पहले किसको बोल रहे हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर बैंड इज नॉन एज डिस्पर्सन एंड सीरीज ऑफ कलर बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यानी कि जो हमारे पास जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट थोड़ी कौन सी इनटू सीरीज में, उसको उस कलर बैंड को हम बोलते हैं डिस्पर्सन, लाइट का डिस्पर्सन हो रहा है, बिखरना। उसके बाद अगर हम बोलेंगे कि जो डिस्पर्सन एंड सीरीज को क्या बोलेंगे, जो एक सीरीज में बिखर रही है लाइट, सीरीज बिखर रही है एक किस में, सीरीज में, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। उसको हम क्या यूज कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं। अब वहां पे मैंने क्या कहा, उसके बाद कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसको बोल रहे थे कि अगर हमारे पास वन कलर एटॉमिक स्पेक्ट्रम में वन कलर अदर में मर्ज हो जा रहा है बिना किसी गैप के, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्योंकि हमारे पास मैंने क्या बता रखा, ये पॉजिटिव नेगेटिव डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे लाइट स्प्लिट होके जा रही प्रिज्म के अंदर से डिफरेंट, ये क्या है, जिसकी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, किसी की लो फ्रिक्वेंसी, सबकी वेरिएशन होता है फ्रिक्वेंसी में,
तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन, इसको ऑब्जर्व कर रहा है ये प्लेट जो हमारे पास है। तो मैंने कहा जो हमारे पास मर्ज हो रहा है, जैसे वायलेट मर्ज हो रखा है इंडिगो से, ब्लू मर्ज हो रखा है ग्रीन से। कभी ऐसा तो होता नहीं कि ब्लू मर्ज जो ग्रीन से हो रखा है उसे बीच में कुछ और कलर दिखने लग जाए, ग्रीन या बीच में गैप छूट जाए, इतने में ग्रीन है इतने में ब्लू है, ऐसा कुछ नहीं होता। कलर मर्ज होता है लेकिन विदाउट एनी गैप के, वहां पे हम बता नहीं सकते उसको कि उसमें कि दूसरा कलर कौन सा है। तो टू टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, सबसे पहला इमिशन स्पेक्ट्रम और सेकंड होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम आर ऑब्टेन व्हेन रेडिएशन इमिट फ्रॉम सबस्टांस दैट हैव एब्जॉर्ब एनर्जी। अब इमिशन स्पेक्ट्रम से बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, तो इमिशन में लिखेंगे आप लोग स्पेक्ट्रम आर ऑब्टेन, स्पेक्ट्रम आर ऑब्टेन, स्पेक्ट्रम आर ऑब्टेन व्हेन द रेडिएशन, व्हेन द रेडिएशन, व्हेन द रेडिएशन, रेडिएशन इमिटेड, व्हेन द रेडिएशन इमिटेड, इमिटेड फ्रॉम सबस्टांस, फ्रॉम सबस्टांस, फ्रॉम सबस्टांस दैट हैव एब्जॉर्ब, दैट हैव एब्जॉर्ब, दैट हैव एब्जॉर्ब एनर्जी, द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन व्हेन रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम सबस्टांस दैट हैव एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी आर एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ, आर एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। द स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ लाइन, कंसिस्टिंग ऑफ लाइन, द स्पेक्ट्रम ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ, कंसिस्टिंग ऑफ लाइन ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम, इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इट मीन्स जो हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले इमिशन, इमिशन किसको बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रम आर ऑब्टेन व्हेन द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द सबस्टांस दैट हैव एब्जॉर्ब एनर्जी, द स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ, जो हमारे पास क्या है, दैट एब्जॉर्ब एनर्जी। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था बहुत पहले, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमारे पास कोई भी बॉडी है हमारे पास यहाँ पे, ये क्या करेगी, पहले किसी लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद जैसे जैसे लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो टाइम टू टाइम ये क्या करेगी, इसको थोड़ी देर में रेडिएट करती जाएगी एक सेगमेंट में, डिसकंटिन्यूस में। तो क्या करता जा रहा है यहाँ पे, ये एक सेगमेंट में इसको क्या करता जा रहा है, कंटिन्यू वो करता जा रहा है, क्या रेडिएट करता जा रहा है। तो इमिशन भी ऐसे ही तो काम कर रहा है, स्पेक्ट्रम और ऑब्टेन व्हेन द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द सबस्टांस दैट हैव एब्जॉर्ब एनर्जी, जो एब्जॉर्ब एनर्जी इसे, इसको जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है उसको टाइम टू टाइम एक सेगमेंट में इसको क्या कर रहा है, रेडिएट करता जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमिशन। और इमिशन में हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस तो मैं आपको बता चुका हूँ, अब है डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस के क्या रहा, कह रहे हैं डेफिनेशन में, द स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ लाइन ऑफ डेफिनेट फ्रिक्वेंसी, जब सबकी क्या हो जाए, डेफिनेट फ्रिक्वेंसी हो जाए
इस टाइप के हमें इसको क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। द लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जो हमारे पास ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जो हमारे पास टॉपिक में आ रखा है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका दूसरा पार्ट, इमिशन का हो गया। दूसरा पार्ट है एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, नेक्स्ट काइंड है हमारे पास इसका, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। व्हेन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो हमारे पास एब्जॉर्बेशन का रखा ना, इसने यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रखा है, मैं क्या कह रहा हूँ, कंटिन्यूअस जो रेडिएशन हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पर रेडिएशन हो रहा है जो किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हेन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अलाउड टू पास थ्रू द गैस, व्हेन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच अलाउड टू पास थ्रू अ गैस एंड सम सॉल्ट सॉल्यूशन, ट्रांसमिटेड लाइट एनालिसिस वी ऑब्टेन स्पेक्ट्रम इन डार्क लाइट। वो क्या कह रहा है कि व्हेन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हेन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हेन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अलाउड टू पास थ्रू गैस या सॉल्ट सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन में भी हो सकता है, सॉल्ट सॉल्यूशन में भी हो सकता है। तो वी ऑब्टेन स्पेक्ट्रम डार्क लाइट, वी ऑब्टेन स्पेक्ट्रम इन विच डार्क लाइन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम। इन्होंने क्या किया कि व्हेन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करते रहे, अलाउड करते रहे किसके साथ, एक सॉल्यूशन के साथ, जो हमारे पास किसका था, गैस सॉल्यूशन था, और उन्होंने पास होने दिया गैस सॉल्यूशन के अंदर से इसको। अब जैसे गैस सॉल्यूशन के अंदर से इन्होंने स्पेक्ट्रम को पास होने दिया, उसके बाद इनको क्या मिले, कुछ ब्लैकेस्ट लाइन मिली, इसको डार्क लाइनें मिली। जैसे इसी का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपके सामने, यहाँ पर तो मैंने गैसेस आपको बताई थी, ये लोग चलो मान लेते हैं आपने क्या करा, ये आपके पास इसके अंदर रेड कलर की थी, ये डार्क लाइन है, ये इस तरह से डार्क लाइन है, इनको देखने को मिली, ऐसे रेडिएशन कराए इन्होंने, स्प्लिट हुई लाइट यहाँ से, और यहाँ पे ये ग्रीन कलर का मैं इसमें दिखा रहा हूँ, इस तरह से इनको डार्क लाइन मिली ऑप्टेन की। तो ये क्या कह रहा है, व्हेन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कराए इन्होंने, अलाउड किसके अंदर से, पासेज थ्रू गैस सॉल्यूशन से, उसके बाद इन्हें जो क्या मिले, कुछ डार्क लाइनें मिली, उस डार्क लाइनों को इन्होंने एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम कहा। और जिसमें इन्होंने एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम का या इमिशन की स्टडी की, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। जिस टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, इसका जिस टर्म में ये स्टडी करते हैं हम लोग पूरी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, उसको बोलते हैं
उस टर्म्स को यूज़ करेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक आप पढ़ोगे एमएससी फाइनल ईयर में, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके लिए एमएससी फाइनल ईयर में सारे जितने डाउट होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होती है उसमें। स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के बाद लगता है कि, तो ये था हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा।